सो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का अभी के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, बेसिकली 17th of April दैट इज़ फ्राइडे के दिन एक बेसिकली यहाँ पे आ सकते हैं सुनवाई होनी थी। जितने भी आरोपी हैं तो उनकी बेसिकली जो बॉयज के सैंपल थे तो उनकी यहाँ पे आ सकते हैं इंक्वायरी होनी थी, ठीक है, कि उनके बॉयज के सैंपल को किस तरह से आगे लेके जाना है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक यहाँ पे आप सुनवाई होनी थी जिसको भी फिलहाल 23 अप्रैल तक टाल दिया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या मेन मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही हैं। तो चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। इसके अलावा टेलीग्राम पे जुड़ जाना फॉर एवरी इंपॉर्टेंट अपडेट, या फिर आप क्विजेस वगैरह अटेंड करना चाहते हैं वो भी आप टेलीग्राम पे कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के भर्ती पेपर लीक मामले की मुख्य आरोपी उमा आयात समेत दलाल संजीव कुमार, निखिल और नीरज कुमार की आवाज़ के सैंपल लेने की मंजूरी के लिए लगाई गई अर्जी को बेसिकली शुक्रवार में ये होनी थी, ये हो नहीं पाई है, ठीक है, सुनवाई अब ये 23 अप्रैल तक टल गई है, ठीक है। अब इसकी डेट जो रखी गई है 23 अप्रैल रखी गई है कि जो भी इन्होंने बातें की हैं वो सारी अब किस तरह से इनकी जो लीक हुई हैं वो किस बेसिस पे लीक हुई हैं, ठीक है। तो हर चीज़ को, हर पहलू को यहाँ पे आवाज़ के थ्रू, आवाज़ के सैंपल लेके यहाँ पे जांचा परखा जाएगा। तो मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल, जिसको बेसिकली SIT ही बोला जाता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आरोपियों के आवाज़ के सैंपल लेकर यह जानना चाहती है कि मुख्य आरोपी दलाल और अन्य दो आरोपियों को पेपर लीक को लेकर किस किस अधिकारी, कर्मचारी और अभ्यर्थियों से किस तरह की बातचीत हुई है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो पुराने यहाँ पे HPSC हमीरपुर के सचिव थे जितेंद्र कंवर जी, उनकी भी कड़ी यहाँ पे पेशी चल रही है। तो जिस तरह से उनका आज हो सकता है कि तीसरा या चौथा दिन भी है, तो यहाँ पे बहुत से न्यूज़ आर्टिकल ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि वो भी यहाँ पे, उनकी भी यहाँ पे इग्नोरेंस पाई गई है। तो हो सकता है उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कुछ अरेस्ट वारंट के रिलेटेड भी न्यूज़ आ सकती है, ठीक है। तो अभी कुछ ऐसा डिटेल में डिस्कशन नहीं हो पाया, डिटेल में नहीं आया, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं अटकलें लगाई जा रही हैं। उधर आप देख सकते हैं आयोग के पूर्व सचिव एवं HS अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कंवर से शुक्रवार को भी आप देख सकते हैं 10 बजे से 5:30 बजे तक लंबी पूछताछ की SIT ने, और SIT ने अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से छंटनी परीक्षाओं में उनकी गंभीर लापरवाही, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तो होती है केयरलेसनेस, बस एक होता है एक्सट्रीम केयरलेसनेस पाई गई है, तो उससे उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, ठीक है। अभी हुई नहीं है, हो सकती है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको मालूम होगा 980 जो कला अध्यापक का पोस्ट था, ठीक है, उसी रिलेटेड आपने देखा था किस तरह से उमा आजाद की पड़ोसन है ना, ने किस तरह से वहाँ पे पेपर लीक करवाया था इनसे मिलके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा JOIT 939 की भी बात हो रही है कि जांच के लिए SIT के अन्य सदस्य भी हमीरपुर पहुंच गए हैं। SP विजिलेंस राहुल नाथ खुद हमीरपुर में मोर्चा संभाले हुए हैं। आगे आप देख सकते हैं ASP, ठीक है, जो AASP एडिशनल SP हैं, जो बेसिकली अभिमन्यु वर्मा कला अध्यापक, जबकि निरीक्षक संजय कुमार पोस्ट कोड 939 JOIT मामलों की जांच कर रहे हैं, ठीक है। अब अभी आगे एक और चीज़ सामने के आई है कि पूर्व सचिव के जो बेसिकली पूर्व सचिव थे जो कि जितेंद्र कंवर जी, इनके जो ड्राइवर थे, ठीक है, तो उन्होंने भी JOIT की परीक्षा पास की थी, ठीक है। तो मैंने खुद इस चीज़ को लेकर आई एम टोटली एस्टोनिश कि जो कैंडिडेट्स बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ भी बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे जुड़े हुए हैं, बट वो पेपर नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि जॉब पे भी हैं, वो भी यहाँ पे इजीली पेपर को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पूर्व सचिव के चालक ने भी ये बेसिकली परीक्षा पास की थी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो भी हो सकते हैं कि इसमें डल जाओ, बट फिर भी यार एक ड्राइवर ने भी यहाँ पे पेपर पास किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ड्राइवर कर नहीं सकता है। बट यहाँ पे अब आपको पता है कि जब SIT इस चीज़ के पीछे पड़ी है, तो यहाँ पे हर पहलू को खुरीदा जाएगा। अब देखते हैं आरोपियों की आवाज़ के सैंपल लेने के लिए अब 23 अप्रैल को सुनवाई होगी, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को मालूम होगा JOIT अभ्यर्थियों में आक्रोश के कारण हमीरपुर से लेकर शिमला के लिए पैदल मार्च भी कैंडिडेट्स ने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कैंडिडेट्स परेशान हो गए हैं 4 साल से कि कब रिजल्ट आएगा, कब उनकी नौकरी लगेगी। बहुत से कैंडिडेट्स अभी ओवर एज होना भी स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं आक्रोश रैली, या फिर आप कह सकते हो आक्रोश मार्च निकाला है हमीरपुर से लेकर शिमला तक। तो देखना होगा किस तरह से प्रशासन इन सारी कैंडिडेट्स की बातें को सुनता है और किस तरह से हरकत में आकर जल्दी से जल्दी ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, जो ये सारी भसड़ मची हुई है, उसको किस तरह से रिजोल्व करता है। बाकी जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वी विल डेफिनेटली शेयर विद यू। हो सकता है कि जल्दी आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कुछ ना कुछ आता हुआ देखने को मिले JOIT 817 रिलेटेड, तो हमारी नज़रें हर चीज़ पर हैं, तो डेफिनेटली वी विल शेयर विद यू। सो थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।